देखो पहले होता क्या है, जेड जेड क्या है, जेड बराबर ए प्लस आई बी क्या है, ए क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है बोलो? कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबको छोड़ो, तो इसका संयुग्म क्या होगा? इसलिए जेड का जेड बार क्या होगा, क्या होगा? संयुग्म होगा। हाँ जी, बताया था ना। तो संयुग्म कैसे निकालते हैं? जेड बार बराबर क्या होगा, ए ए ए माइनस आई बी, जहाँ आई होगा वहाँ क्या करेंगे, बस माइनस कर देंगे, संयुग्म हो जाएगा। ये किए थे। अब इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देखो पहली प्रॉपर्टी, जेड का ऊपर बार लगा दो, उसके ऊपर बार लगा दो, क्या मिलेगा? जेड मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा। अब जेड बार को जेड के साथ जोड़ दो, क्या मिलेगा? देखो जेड बार को किसके साथ जोड़ना है, जेड के साथ जोड़ना है। तो जेड बार हमारा क्या है, ए माइनस आई बी। अब प्लस क्या है, ए प्लस आई बी। तो ये दोनों कट जाएगा, क्या आएगा, टू टाइम्स ए आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ क्या, जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी क्या, टू ए, टू ए रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब क्या है, वास्तविक भाग, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा भाग, वास्तविक भाग ही केवल आएगा। देखो वास्तविक भाग आया, या बोल सकते हैं प्योर इमेजिनरी बोल सकते हैं, प्योर रियल बोल सकते हैं, शुद्ध वास्तविक बोल सकते हैं, या रियल पार्ट ऑफ ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे। और तीसरा लिखो, इसका तीसरा देखो, जेड माइनस जेड बार, जेड माइनस जेड कर सकते हो, तो क्या आएगा, देखो इससे इससे क्या आएगा, इससे आएगा टू आया था। अब देखो ये जेड बार माइनस जेड करोगे तो क्या आएगा, ए माइनस आई बी, और वही कैसे है, प्लस माइनस का ए और प्लस का क्या, ए माइनस का आई बी हो जाएगा, है नहीं? तो क्या यहाँ से आएगा, देखो ये कट जाएगा, यहाँ से कितना आएगा, माइनस का टू आई बी आएगा, यहाँ से टू आई बी आएगा। थोड़ा सा हम लोग वो कर दिए, इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जेड में जेड बार जोड़ दो, और जेड में से क्या करो, जेड बार घटा दो, तब थोड़ा ऐसा लिखने में थोड़ा चिन्ह नहीं आएगा। देखो क्या हो जाएगा, ऐसे करोगे तो क्या आएगा, जेड माइनस जेड बार तो क्या आएगा, ए प्लस आई बी, माइनस का ए, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का आई बी, प्लस का आई बी हो जाएगा ना, माइनस का रहेंगे। अरे ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस नहीं हो जाएगा, ये माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। ये दोनों कट जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे टू आई बी आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, टू टाइम्स ऑफ बोलो इमेजिनरी पार्ट, क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, या क्या टू आई बी लिखा है इस तरीके से। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जी? ये हो जाएगा, है नहीं? और कहाँ गया, और देखो क्या इसमें है। देखो अब क्या करते हैं, गुणा करते हैं इनका, क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो जेड जेड बार का गुणा करो तो क्या होगा, देखो ए प्लस आई बी, और यहाँ क्या आएगा, ए माइनस का आई बी। तो गुणा करो तो पहले वाले को पहले वाले टर्म से जी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो माइनस का ए बी आई, है नहीं? और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का ए बी आई, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर और आई स्क्वायर, ये दोनों तो कट जाएंगे, प्लस माइनस के उल्टा चिन्ह के, है नहीं? और ये क्या बचेगा, ए स्क्वायर, यहाँ देखो ध्यान से, आई स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का वन, माइनस का वन क्या होगा, माइनस का वन होता है, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान रखो, इसको यूज करेंगे डायरेक्ट, जेड अगर जेड बार है तो क्या होगा, रियल पार्ट का इमेजिनरी, सॉरी रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर के बराबर होगा। अरे ए रियल पार्ट है, बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है,
ऐसे समझ सकते हैं, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे। पांचवी प्रॉपर्टी देखो क्या दिया है, देखो लिखा भी है कितना अच्छे से लिख दिया, देखो इसको लिखा इस तरीके से, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर और क्या होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, लिख भी दिया है ऐसे लिख दिया है नहीं। और देखो क्या हो जाएगा, जेड वन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, है नहीं। चलो थोड़ा सा और एक मानते हैं, इसको मिटा पांचवा एक देख लो, जेड वन और जेड टू क्या है, दो तुम्हारे क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड वन और जेड टू क्या है, दो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसके आधार पे ये निकालना है, जेड वन और प्लस जेड टू के बार क्या हो जाएगा, जेड वन बार प्लस जेड टू बार हो जाएगा, है नहीं। अगर ये लिखा है जेड वन माइनस जेड टू के बार, तो क्या लिखा जाएगा, जेड वन बार माइनस का जेड टू बार, इतना बात समझ में आ रहा है, इसको डायरेक्ट यूज करेंगे फार्मूला टाइप में, है नहीं। छठा, अभी सवाल में सब क्लियर हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ध्यान में देखो ये वाला इस पे इफेक्ट नहीं डाला, देख रहे हो, इक्वल जेड पे इफेक्ट डालेगा, किस कौन सा, ये बार जो है किस पे डालेगा, आई, जहाँ आई होगा उस पे डालेगा इफेक्ट। तो एक और लिख लो, इसी पे लिख लो, है नहीं, तो इसका ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, इसी का तीसरा लिखो, जेड वन और जेड टू के बार लगाएंगे तो क्या आएगा बताओ, जेड वन बार, हाँ जेड वन बार गुणे जेड टू बार आ जाएगा, तो बच्चों वाला गेम हो जाएगा, है नहीं। देखो एक और देखने लगे, आज लिखा है जेड वन और जेड टू पर पूरे में बार लगा है, इसको लिखेंगे जेड वन बार और यहाँ पे जेड टू बार, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, है नहीं, इसको यूज करेंगे। और यहाँ तुम्हारा जेड टू जीरो नहीं होना चाहिए, जेड टू तुम्हारा जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अरे अपरिभाषित कैसे होता है, किसी के बटे में अगर जीरो आ जाता तो क्या होता है, अपरिभाषित होता है, इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। अब देख लो एक टॉपिक और है, मापांक, क्या है मापांक, फिर उसके बाद उसके गुण देख लो, फिर उसके बाद सवाल लगाएंगे। देखिए मापांक क्या होता है, इसको जाके नोट कर लेना, इसको कराना जरूरी था, अगर ये नहीं कराते तो फिर उसमें अंदर को समझ में नहीं आता, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम बताएंगे। देखो अब अगला टॉपिक है मापांक, तो मापांक में क्या देखो होगा, मॉडुलस बोलते हैं इसको, है नहीं, मॉडुलस ऑफ माप, सममित संख्या का मापांक पूरा लिख लो, है नहीं, सममित संख्या का मापांक देना चाहिए। देख कोई तुम्हारे पास जेड लिखा है, ए प्लस आई बी लिखा है, ए प्लस आई बी लिखा है, तो इसका मापांक होगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रूट के अंदर क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस का आई बी स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ ए, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, ये इसका क्या होगा फार्मूला होगा, समझे, मापांक का समझ में आ रहा है जी। ये होगा इधर रियल पार्ट, ये हो जाएगा रियल पार्ट, ये क्या रियल पार्ट है, रियल पार्ट जेड का स्क्वायर, ये हाँ ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब क्या होगा, ए आएगा जी, ए का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मतलब बी आएगा, तो बी का स्क्वायर, अभी पीछे तो करवाए थे जी, पीछे नहीं करवाए थे जी, अगर जो है उसका उसका गुणा कराया था जेड और जेड बार का तो क्या आया था, जेड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया था, इसको हमने क्या लिखा था, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, अब माइनस का रियल पार्ट ऑफ, सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ बी, तो इमेजिनरी पार्ट होता है ना, पार्ट ऑफ क्या जेड का होल स्क्वायर, उसी तरीके से यहाँ क्या था बी दिखा तो उसको लिख दिया। अब इस पर पढ़ेंगे क्या, इस
इसके गुण पढ़ेंगे, चार सात आठ मतलब छः सात गुण हैं, उसको देख लेते हैं लगे है। देखो देखो लिख लो थोड़ा सा, यहाँ पे लिखो यदि जेड वन जेड टू और जेड थ्री क्या है, जेड वन जेड टू और जेड थ्री क्या है बोलो, समवृत्त संख्याएं हैं, क्या है समवृत्त संख्याएं हैं, और जेड वन और जेड टू और जेड थ्री ऐसे भी बोल सकते हो, कहाँ बिलोंग कर रहा है, सी में बिलोंग कर रहा है जी। सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर रहा है जी। अरे लिखते नहीं थे एक दो तीन कहाँ बिलोंग कर रहा है, एन में, यानी एक दो तीन क्या है नेचुरल नंबर है, कहाँ का अवयव है नेचुरल नंबर का अवयव है, तो ये बिलोंग का चिन्ह लगाते थे जी। उसी तरीके से यहाँ क्या लिखा है, जेड वन और जेड कमा जेड टू और कमा जेड थ्री कहाँ का है, कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बताइए विजन मुझे। आप देखो इसी के आधार पे इसका ऑपरेशन करेंगे, है नहीं? तो देखो पहला ऑपरेशन दिया है इसका, प्रॉपर्टीज में दिया है थोड़ा इसमें जेड भी बढ़ा लो, इसको क्या कर लो, इसको जेड वन कर लो, इसको जेड कर लो, जहाँ सिंगल होगा वहाँ जेड यूज करेंगे, और जहाँ ट्रिपल होगा इन तीनों को यूज करेंगे। देखो इसको जेड टू कर लो, है नहीं, इसको जेड टू कर लो, ये भी मतलब वो नोटेशन है, ज़्यादा कोई दिक्कत बात नहीं, ये क्या होगा जेड, ये जेड वन हो जाएगा और ये जेड टू, ये देखो यार पहला देखो, मॉडुलस ऑफ जेड किसके बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ किसका, जेड बार, इसका कॉन्जुगेट, जेड का कॉन्जुगेट, जेड का संयुग्मी, ये सब क्या होगा, सब का रिजल्ट सेम आएगा, क्या आएगा बोलो, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, फार्मूला तो यही होता है। क्या ध्यान रखोगे, अगर लिखा है टू प्लस थ्री आई तो इसका 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 मॉडुलस कितना आएगा बोलो, दो प्लस तीन नौ प्लस कितना आएगा, नौ प्लस चार आएगा, सॉरी चार प्लस नौ आएगा, क्यों आएगा, दो का स्क्वायर नौ होगा और चार का स्क्वायर दो का तीन का स्क्वायर नौ होगा। अब सेम चीज इसका भी निकाल लो, तो ये सपोज कर लो जेड है, ये सपोज कर लो क्या है जेड है, ये क्या होगा जेड वन जेड बार होगा, यहाँ चिन्ह बदला है खाली, जेड बार होगा। अब देखो इसका मॉड निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट के अंदर फोर आएगा या नौ आएगा, जब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो यहाँ भी तो आएगा फोर और नौ, चिन्ह से उसको मतलब थोड़ी नहीं है, उसको ट्वेल्व का ए बी से मतलब है, ए और बी से मतलब है, ए या बी मतलब भी है तो क्या वो स्क्वायर कर रहा है, क्या कर रहा है स्क्वायर कर रहा है, तो अगर ए या बी निगेटिव भी होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, समझे, तो इस वजह से वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे मोस्ट फार्मूला है, वेरी वेरी मोस्ट है, डायरेक्ट तुम्हारे कंपटीशन में पूछ लेगा नहीं। दूसरा देखिए, इसी में एक और थोड़ा भाग होता सर, माइनस का जेड भी लिखा होगा उसका भी मान कितना ही होगा, यही होगा, हाँ यही होगा, इसका मतलब क्या हुआ, देखो जेड तुम्हारा था ये वाला, इसको पहले माइनस से गुणा किया था, माइनस का टू और ये क्या होगा माइनस का थ्री आई, अब इसका निकालो मॉडल, कोई फर्क पड़ेगा, रिजल्ट वही आएगा, तो घबराने का नहीं है, ये क्या बना रहा है, उल्टू बना रहा है नहीं, ये हो जाएगा, दूसरा हो गया। देखो तीसरा देखो, देखो अगर ये लिखा है कहीं मॉडुलस ऑफ जेड बराबर जीरो लिखा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही होगा, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो है, तो यार मॉडुलस ऑफ जेड जीरो है तो इसका मतलब यही तो मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो है, ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये चीजें कब पॉसिबल हो सकती है, ऐसे तुम दो ही नंबर बताओ जिनको जिनका वर्क करें या जोड़ने पर जीरो आ जाए, कोई तुम्हारे कारखाने में कोई नंबर है ऐसा जोड़ने पर जीरो आ जाए, हाँ पहले ऐसे दो ही नंबर बताओ जिनका हम वर्क करें स्क्वायर करें और दोनों जोड़ दें कितना आ जाए जीरो आ जाए, जीरो ही होगा, नंबर बताओ ना हमको, बताओ कौन नंबर होगा, क्या होगा जीरो ही होगा, जीरो ही होगा और कुछ नहीं होगा, और पॉसिबल ही नहीं, जीरो ही होगा, देखो
ऐसा कोई नंबर है ये नहीं है जी। है नहीं, अगर तुम माइनस का एक लेते हो और एक प्लस का एक लेते हो, सोचते हो एक का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का एक आएगा या एक आएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस कर देगा ना। एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा यहाँ, और एक एक दो हो जाएगा। इस वजह से दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है, अगर जो क्या करें दोनों का स्क्वायर करें या जोड़ने कितना आ जाए, जीरो आ जाए, है नहीं। तो ये यहाँ क्या लिखा जाएगा बोलो, ए भी जीरो है और बी भी जीरो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या होगा बोलो, जेड और रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, बराबर नहीं, जीरो होगा। अभी तुम खुद बोले होगा, बता रहे होगी बराबर वो होगा, है नहीं। तीसरा बात, ये दोनों बात ध्यान देना, इस पे सवाल तुरंत आएगा, पूछ लेगा कि जो है मॉड जेड बराबर जीरो, तो बताइए ए और बी का मान क्या होगा, दोनों जीरो होगा, ए बी का मान जीरो होगा, उसे दिखाए हैं यहाँ पे। अरे मॉड जेड का मतलब हो गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यही जीरो तो इसका मतलब ये जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो, इसका मतलब ए और बी क्या है, जीरो है नहीं, ये देख सकते हैं। तीसरा देखो लिखा है, चलो तीसरा देखो लिखा है, जेड और जेड बार, जेड और जेड बार लगाया कि नहीं कुछ हो, जेड और जेड बार जो होता है वो किसके बराबर होता है, यहाँ मॉड नहीं लगाया है, नहीं क्या किया है, मॉड नहीं लगाया है, मॉड नहीं लगाएगा उसमें तो गलत हो जाएगा। देखो ये बोल रहा है कि जेड और जेड बार किसके बराबर है, इसके बराबर है, मॉड जेड के स्क्वायर, हाँ नहीं नहीं मॉड जेड के स्क्वायर बराबर है। हमने अभी पीछे देखा है इसका मान कितना आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है जी, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई इतना तो आएगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या लगा है, मॉड लगा है, क्या लगा है, मॉड लगा है, मॉड लगा ये हुआ। कैसे दिखाएं इसको, देखो जेड हमारा क्या होता है, ए प्लस आई बी होता है, जेड बार क्या होगा, ए माइनस आई बी होगा। अब ना हो तो उसका कैमरा वो लाइट बंद होगा, कट के उजाला होगा। आज डाल देंगे सब, नोट कर लेना बढ़िया तरीके से, बहुत मस्त चैप्टर है, मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है, सब खा गए हो है नहीं, हलवा बना के क्या बता रहे थे वो, ये बता रहे थे, देखो ये कैसे लिखा जाएगा, ये वाला कैसे आया है, है नहीं, ये बता रहे थे। जेड हमारा ए प्लस आई बी है, जेड बार हमारा क्या होगा, ए माइनस आई बी, क्यों, इसका ये क्या है, कॉन्जुगेट है, इसका कॉन्जुगेट क्या ये है, है नहीं, ये इसका कॉन्जुगेट नहीं है, ये हो जाएगा। तो अब बताओ क्या करेंगे, अब करना दोनों को क्या करना है, गुणा कराना है, तो जेड और जेड बार का गुणा कराइए, तो क्या आता है, गुणा कराते हैं तो ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ये आता है, नहीं यही तो आता है वो, तो ये आता है, हम लोग गुणा गलत कराते क्या उस टाइम, वो देखो देखो गुणा कर, पहले गुणा कर ही लेते हैं अभी, तो गुणा करो देखो क्या होगा, ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी, गुणा करो तो क्या होगा, ए स्क्वायर आएगा और माइनस का ए बी और प्लस का आई ए बी और क्या होगा, माइनस का आई आई बोलो क्या होगा, बी स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा, ये आई स्क्वायर क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो हम लोगों ने गलत लिखा था पीछे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे जेड और जेड बार को आपस में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ये आएगा, हमने पीछे क्या किया था, गलत लिखा था, ये आएगा, हमने जब ये आएगा तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी क्या आया देखो यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, दोनों गुणा किया, अब इसका मॉड निकालना है, इसका क्या निकालना है, मॉड निकालना है, तो देखो फिर से देखो, जेड जेड बार का आया रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या है, कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट तो गायब है जी, वो तो गायब है, इसका निकालो क्या, मॉड,
इसका मॉड निकालो, मॉड क्या आएगा, रूट के अंदर क्या आएगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, इसका मतलब रूट के अंदर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो आएगा, ये आ जाएगा। सेम चीज देखो यहाँ लिखा है, अरे मॉड जेड का मतलब क्या होता है, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है जी, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हट नहीं जाएगा, वही तो आ जाएगा, ये दोनों क्या है, बराबर है, ऐसे लिखा जाएगा। जेड जेड बार का मॉड जो होता है क्या होता है, मॉड जेड के क्या होता है, स्क्वायर बराबर होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। फिर उसके बाद एक दो फार्मूले और है, फिर चलते हैं आगे तेजी से, एक वो कर लेते हैं, चलो लाओ यहीं पे ही नोट कर देते हैं। चौथा लिखो जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर, प्लस वाले में रियल होता है, दोनों में होता रियल है नहीं, देखो जेड वन का स्क्वायर हो जाएगा और जेड टू का स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस का टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड जेड वन हो जाएगा, जेड वन जेड टू हो जाएगा, और देखो प्लस ही माइनस प्लस कर लो, ये कर लो जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, देखो ये जेड वन का स्क्वायर होगा, ये जेड टू का स्क्वायर होगा, अब माइनस का टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू होगा, रियल पार्ट बोल रहा हूँ ना जी, उसका आई वाला पार्ट नहीं होगा जी, इधर वाला, हाँ तो ये समझ, ये तो ये भी नोट कर लेना जाना तो, हाँ फिर उसके बाद चले सवाल वाल करें, बहुत लगा लिया, बहुत थ्योरी व्यूरी पढ़ लिया इसका, है नहीं थोड़ा सा एक और कराने का, चलो इसके बाद में कराएंगे, है सवाल ही सर, हाँ सवाल ही करवाएं ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो एक सवाल लिखा है पाँच बटा फाइव प्लस, चलो सवाल ही करवाएं, हैं बहुत पढ़ लिया थ्योरी व्यूरी, है नहीं सवाल लगाए इससे एक भी सवाल तो पूछने की, भले और कहीं से आए चाहे नहीं आए, इस चैप्टर से दो ही सवाल तो मिलेंगे, दो ही से तीनों मिल जाए, 50 क्वेश्चन आने वाला है, हाँ दो ही से तीनों मिल जाएंगे इस चैप्टर से, यहाँ से भूल भुला के पूछ देगा, मैं कर लो ये निकाल लो एक पावर कितना 67 का मान, इतना आसान नहीं पूछेगा, ये जान लेना। चलिए बोल रहा है पहला क्वेश्चन है 5 प्लस फोर आई लिखा है, 5 प्लस फोर आई और लिखा है 4 प्लस फाइव आई, साथ नोट करते चल रहा था ना, को क्या करना है a प्लस आई बी के रूप में लिखिए, ये क्वेश्चन है। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, ये क्वेश्चन को उतारा, ये देखो उतार लिया 4 प्लस फाइव आई, और जब ऐसा क्वेश्चन दिखे तुमको ध्यान से कुछ नहीं करना है, नीचे का क्या करो, परमेयीकरण कर दो, नीचे का चिन्ह बदलो, उसी से क्या करो ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 4 माइनस फाइव आई से क्या किया ऊपर नीचे गुणा कर दिया, गुणा करने से क्या मिलेगा, देखो यहाँ तुमको मिल जाएगा, अभी तुम प्रॉपर्टीज पढ़े हो कि z को z बार से गुणा करते तो क्या आता है, जेड ये आता है, जेड का स्क्वायर आता नहीं आता है, इसका मतलब मान लो जेड हमारा ये होगा, क्या होगा, ए प्लस आई बी होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि मॉड का क्या होता है, देखो मॉड यही तो होता है, रूट लगाता है, ए स्क्वायर है, यहाँ क्या आएगा डायरेक्ट लिख सकते हो, फोर का स्क्वायर और नहीं ये प्लस प्लस हो जाएगा, 25 लिख सकते हो, या इसलिए 16 प्लस 25 लिख सकते हो डायरेक्ट, लेकिन इतना डायरेक्ट नहीं करवाएंगे, दिखाएंगे तुमको, देखो 4 चौक 16 और 4 5 20 आई होगा, नहीं होगा 20 आई, इसको 5 चौक 20 आई और कितना होगा 25 माइनस का 25 आई स्क्वायर, ऊपर का गुणा कर लो, तो 5 चौक 20 इसको इससे किया इसको इससे करेंगे कितना का 25 आई हो जाएगा, और 4 चौक 16 आई इसको इससे करेंगे कितना होगा 20 आई स्क्वायर होगा,
बीस आई स्क्वायर होगा, ये होगा। ध्यान से देखो, ये तो जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ क्या नीचे आएगा, 16 आएगा प्लस 25 आएगा, है नहीं। तो जो समझदार बच्चे होंगे, जिनको टाइम का बचत करना होगा, तो क्या करेंगे, देखो वो जान जाएंगे कि जो यहाँ लिखा है वही चिन्ह बदल के यहाँ लिखा है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं नहीं ए माइनस बी नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ लग रहा है, वो लगता तो काम लग वो भी रहा है, कहने मतलब लग वो भी रहा, सही बोल रहा हूँ। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्लिक करना पड़ेगा ना यहाँ पे, यहाँ आई स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा, वो प्लस कर देगा, प्लस कर देगा। यहाँ देखो प्लस आया है ना जी, यहाँ तो माइनस आना चाहिए ना तुम्हारे हिसाब से, ये उसको प्लस कर देगा, आई स्क्वायर क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। लेकिन एक और ध्यान दे सकते हो कि अगर तुम्हारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में गुणा कर रहे हैं, एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है, एक क्या है दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ ए स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ बी स्क्वायर। ऐसे देखो डिवाइड कर सकते थे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, है नहीं। या तुम ऐसे क्लिक कर दो, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा बीच में, ये ऐसे क्लिक कर सकते हो, टाइम थोड़ा बचेगा इसमें, तो 20 यहाँ हो जाएगा, है नहीं। ये देखो ये आई स्क्वायर का मतलब माइनस का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 कितना हो गया, 40, समझे, ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, अब 40 हो गया। ये देखो इसको घटाओ कितना आएगा, माइनस का 9 आई आएगा, यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। इसको अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग कर लो, 40 बटा कितना आएगा बोलो, ये 25, जल्दी बोलो भैया, क्या 36 आएगा जी, 25 16 कितना होता है, 25 चल 46 हो जाएगा, 46 कहाँ से हो जाएगा यार, 25 10 41 होगा कि नहीं होगा बोलो, 41 होगा, 9 बटा कितना 41 आई हो जाएगा। देखो लिख दिए ए ए प्लस आई के रूप में, ए क्या है यहाँ पे, ये रियल पार्ट है, 40 बटा 9 है, 40 बटा 41 है, अभी क्या है 41 बटा 9 बटा 41 है, तो ये ऐसे करना था, समझे, कर लेना है। एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं इसी पे, ये होमवर्क में रहेगा, को करना है ए प्लस आई वी रूप में, सेम सवाल है, ज़्यादा छापो मत, है नहीं, जो छापे छाप लो, बाकी घर उतरना जाएगी। देखिए एक क्वेश्चन पूछा, इसमें जेड वन दिया है, 1 माइनस आई, जेड टू दिया है, दूसरा क्वेश्चन आज का है, जेड वन दिया है कितना, 1 माइनस आई, जेड टू दिया है 2, माइनस का 2 प्लस का 4 आई लिखा, प्लस का 4 आई लिखा, तो किसका मान निकालना है, जेड वन जेड टू बटे में निकालना है जेड वन के बाद, कितना भरा जाएगा, 1 माइनस का आई और क्या, हाँ माइनस का 2 प्लस 4 आई, अब बटे में क्या लिखे, 1 माइनस आई, तो क्या लगाना है, बार लगाना है, क्या लगाना है, बार लगाना है, हाँ
चल 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 जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल चल तो बंद कर दो यार चल नहीं बहो पहले डरा डरा ठग देंगे नहीं देखो डरने वाले नहीं है यहाँ देखो रूट टू का पिक्चर पहले खत्म कर दो तो रूट टू का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा दो आएगा अब यहाँ आठ बार है कितनी बार है आठ बार है इसका मतलब रूट टू का स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर है ना तो यहाँ से कितना आएगा देखो आठ नहीं हो जाएगा तो यहाँ से दो आएगा यहाँ से दो आएगा यहाँ से दो आएगा यहाँ से दो आएगा गुणा करेंगे कितना होगा दो दूना चार चार दूना आठ आठ दूना सोलह तो रूट आठ का मतलब हो गया ऐसे इसको लिख दो वन प्लस आई का आई की पावर आठ और बटे में रूट रूट टू की पावर आठ वन माइनस आई की पावर कितना आठ और रूट टू की पावर कितना होगा आठ इसका मान कितना होगा नीचे वाले का सोलह होगा सोलह सर की आठ आठ है रूट इधर देख देख लेते हैं रूट टू का स्क्वायर का मतलब हो गया कितना दो दो हुआ तो ए, चार बार आएगा कितनी बार आएगा चार बार आएगा सोलह ही तो होगा दो दुना चार चार दुना आठ आठ दुना सोलह कितना आएगा सोलह आएगा अब वन प्लस आई का की पावर आठ है वन प्लस आई की पावर क्या है आठ तो इसको ऐसे लिखो ऐसे लिखो है नहीं इसको लिखो वन माइनस आई का स्क्वायर का की पावर फोर लिखो इस तरीके से कोई फर्क पड़ेगा घात की घात कितनी होती है गुणा होती है चार दूना आठ है तो रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ से क्या करो वन बाई सोलह कॉमन ले लो तो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा एक का स्क्वायर आएगा आई का स्क्वायर आएगा प्लस का टू आई आएगा की पावर फोर ये क्या आएगा वन का स्क्वायर आई का स्क्वायर माइनस का टू आई की पावर फोर हो जाएगा ध्यान से देखो वन बाई सोलह यहाँ पे वन एक का स्क्वायर एक आएगा ये आएगा और आई स्क्वायर का मान कितना आएगा माइनस का वन आएगा ये प्लस टू आई हो जाएगा की पावर कितना फोर यहाँ देखो वन माइनस का वन हो जाएगा आई स्क्वायर का माइनस का वन होगा माइनस का टू आई की पावर फोर हो जाएगा ध्यान से देखो ये कट जाएगा ये कट जाएगा वन बाई सिक्सटीन हो जाएगा यहाँ टू आई का की पावर कितना फोर यहाँ पे माइनस टू आई की पावर फोर ये सब इसमें चल रहा है वन बाई सोलह टू की पावर चार का मान कितना होता है सोलह होता है अभी करके कितना होता है सोलह आई की पावर चार का मान एक होता है ऐसे देखो यहाँ पे माइनस टू की पावर फोर का मान कितना होगा सोलह प्लस का होगा प्लस हो जाएगा है नहीं प्लस का होगा प्लस का सोलह आई की पावर चार का मान एक तो सोलह सोलह कितना हो गया बत्तीस अब बटे में सोलह इंतजार कर रहा है।